खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूँ परवेज अंसारी। विधानसभा के नतीजे आने के बाद यहाँ पर नवाबगंज में डॉक्टर एम पी आर्य जी के कार्यालय पर मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर एम पी आर्य जी जो भाजपा से विधानसभा के प्रत्याशी थे, चुनाव के नतीजे आने के बाद यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक डॉक्टर एम पी आर्य भारी बहुमत से जीत चुके हैं। बात करते हैं उनके समर्थकों में, जो जोश देखने को मिल रहा है उनके समर्थक यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह से गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं और जो है गुलाल से होली खेल रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं आखिर किस तरह से उत्साह मना रहे हैं। जो यहाँ पे जीत जिस तरह से हासिल हुई है, डॉक्टर साहब खुद क्या कहना चाहेंगे? ये जीत अप्रत्याशित जीत है जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और ये उन गरीबों की जीत है जो मन ही मन में कह रहे थे एक बार डॉक्टर विधायक बन जाए किसी तरह से। इस प्रकार मैं ये कहूँगा, ये पैसे वालों पे जीत है, ये घमंडियों पे जीत है, जो चक्कर घिन्नी बना रहे थे उन पे जीत है, और ये एक मानवता की जीत है, एक संस्कारवान युक्त की जीत है। तो क्या कहेंगे जातिवाद को लेके, वोट जनता ने किया था विकास के नाम हटा दिया, डॉक्टर साहब को मुस्लिम वोट भी मिला है। अगर हम मुस्लिम देखें तो सेतल जैसे जगह पे डॉक्टर साहब बड़ा लड़ते भिड़ते हुए, हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब को मुस्लिम वोट नहीं मिला, डॉक्टर साहब को भरपूर मुस्लिम वोट मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, जश्न का माहौल है, उनसे बात करते हैं आखिर तो डॉक्टर साहब को आज जो कामयाबी मिली है, जिस तरह से जीते हैं, तो क्या कहेंगे? हम बहुत ही खुश हैं, और योगी जी और मोदी जी को वोट दिया है, डॉक्टर साहब को वोट दिया है। डॉक्टर आर्या जिंदाबाद, सपना सच हुआ है, हमारा सपना सच हुआ है, हमारा सपना सच हुआ है। मैं बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब जो आज जीते हैं, जो कामयाबी मिली है, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय हम जो है समस्त जनता को, और जो है जिन लोगों ने ये कहा है कि जो हम आर्या जी को हम 10 बजे ही हरा देंगे, उन लोगों से आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10 बजे नहीं, हम लोग 10,000 वोटों से जीते हैं। जो आपने कहा था कि हम 10,000 लगातार तीसरी जीत पे, आर्या जी अब चुनाव जीत चुके हैं, तो आपको आर्या जी से क्या उम्मीद है? आर्या जी ने जो कहा था, और हमें उनसे उम्मीद है कि जिस तरह योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को मिटा दिया, ऐसे ही हम नवाबगंज में भी भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। जय श्री राम। निवास में मौजूद है, जो माहौल आपको दिखाया, जो समर्थक उनके काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, हम आपको आगे भी अपनी तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। जिंदाबाद। क्या कहेंगे? देखिए, हम हमारे डॉक्टर साहब हमारे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू के नाम पे मरते हैं, मोगी योगी जी के नाम पे मरते हैं, हम हमेशा अपने समाज में बल दिया करेंगे और हमारा राष्ट्र अच्छा रहेगा और हमेशा कामयाबी दिखाएंगे और गुंडागर्दी खत्म करेंगे। हम मुसलमान नहीं हैं, हम पक्के हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमारा इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात।
हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास। जुलूस निकालना गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कार्यकर्ता जो है तिरंगे के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। ये डॉक्टर एम पी यादव जी का आवास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है और जो है गाजे बाजे के साथ जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे मनोज दिवाकर जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी दिवाकर जी, आज जो डॉक्टर साहब की जीत हुई है क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत है, हम लोग पहले ही विश्वास थे डॉक्टर साहब अच्छे वोटर जीतेंगे। और ये आंकड़ा रहा है, जैसे हम लोग हिंदुओं में लगातार मानते हैं 11 का आंकड़ा रहा है, 11,000 से हम लोग जय हुए हैं और योगी जी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और हमें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर आर्य जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। इसी के साथ हम समस्त क्षेत्र की जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब को जनता ने प्यार दिया है, अब देखना होगा कि डॉक्टर एम पी आर्य जी अपने किए वादों पर खरा उतरेंगे, क्या वो जनता के बीच वो प्यार बनाकर रखेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज। न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।